बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू पाकिस्तान मीडिया टुडे। तो दोस्तों, आज हम लोग का यहाँ पे खानपुर में सेकंड डे है। कल हम लोगों ने कोई इतना शूट नहीं करा था, बस ज़रार प्लेटफॉर्म के क्यूज़ वगैरह उनका थोड़ा बहुत शूट करा था, और फिर हमने व्लॉग वगैरह कोई शूट नहीं करा था। मैं बस तफरीहों में लगा हुआ था और बस रात में तफरीहें करते करते सो गए थे, और अभी उठे हैं, नहा धो के फ्रेश हो गए बिल्कुल। और अभी आज जो है हम लोग जा रहे हैं यहाँ से एक दूसरी जगह पर जा रहे हैं, नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर मैं और मुजल भाई जा रहे हैं, वहाँ पर हमारा शूट है। और तकरीबन यहाँ से 2-2.5 घंटे का रास्ता है, अल्लाह करें बस जल्दी से हम लोग पहुँच जाएँ। और वहाँ पे हम लोग को पहुँचने के बाद 8 घंटे का तकरीबन मस्ट काम हमें करना है, बिल्कुल 8 घंटे तक रेगुलर हमें काम करना है। और वहाँ पे शूट वगैरह करने के बाद फिर हम लोग वहाँ पे फिर यहाँ पर आएंगे, क्या नाम है अपना, यहाँ पे खानपुर में जो हमारा यहाँ पे डेरा है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे रूई के लिए। तो आज जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है व्लॉग के अंदर, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और मज़ीद वीडियोस के लिए पाकिस्तान मीडिया टुडे को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, आगे वीडियो देखें। तो दोस्तों, आ चुके हम लोग यहाँ पे सादकाबाद में, हमें आना था तो खानपुर से सादकाबाद का तकरीबन 2 घंटे का सफ़र था, तो हम लोग तो जल्दी पहुँच गए, 1.5 घंटे के अंदर हम लोग पहुँच गए। तो अभी यहाँ पर हम लोगों को शूट करना है, अभी हम लोग चलते हैं, बाहर निकलते हैं। और इस पावर बैंक ने जो है ना मेरी बहुत मदद करी है, ये मिनाज भाई के पास था पावर बैंक, और ये इसने जो है ना इसमें सोलर का भी सिस्टम लगा हुआ है, ये सोलर का लगा हुआ है, यहाँ पे धूप से चार्ज होता रहता है ये, और जो है ना इलेक्ट्रिसिटी से भी चार्ज होता है यहाँ से। और 2 पॉटेंस के अंदर ये लाइट भी लगी हुई है, लाइट का मुझे नहीं पता कैसे चलती है। और मेरा जब मैंने सुबह उठ के मोबाइल देखा ना, 10% चार्ज था, उसकी वजह मुझे ये लग रही है क्योंकि मैंने रात में जो ना फुल चार्ज करके रखा था और डाटा मेरा ऑन रह गया था, वो नोटिफिकेशन आती रही और उसके अंदर जो है ना सारा मेरा मोबाइल फूक गया। तो अभी तो फ़िलहाल चार्ज है, अभी हम लोग चलते हैं बाहर, और बाहर चल के फिर आपको मनासर दिखाते हैं कि क्या क्या खूबसूरत ब्यूटीज़ हैं यहाँ पे रहमान कैटल फॉर्म के पास भाई, माशाल्लाह से। चलें जी, गाड़ी से हमने सारा सामान निकाल लिया है, और अभी यहाँ पे लॉन वॉन बना हुआ है, फुल गार्डन सार्डन है, और ये बनी हुई है मस्जिद छोटी सी। और अभी हम लोग चलते हैं अपने मेहमान खाने के अंदर, जो मेहमान खाना है हमारा वहाँ पर भी चलते हैं, आपको यहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ मैं, बहुत ज़बरदस्त ऑन है भाई माशाल्लाह। और यहाँ पे रेड कलर की वो मस्जिद दिख रही है ना यहाँ से, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यहाँ से। मुसलमान वहाँ पे अपना शूट कर रहे हैं, अभी हम लोग चलते हैं मेहमान खाने के अंदर, अपना मेहमान खाने चल के देखते हैं कैसा है, और फिर आपको भी दिखाते हैं। चलें आगे देखें, मेहमान खाने में चलते हैं, और ज़बरदस्त बेड का सिस्टम लगा है, सोफ़े सब लगे हैं, और ये हमारा सारा सामान रख दिए गए यहाँ पर, और भाई के कपड़े, और बहुत ठंडा हो रहा है अंदर कमरा जो है, क्योंकि यहाँ पे ये कूलर वूलर लगाया हुआ है, ये जो कूलर है ना यहाँ पे लगाया हुआ है, ये ऑन हुआ हुआ था, अभी ऑफ़ करा है, तो ठंडा अच्छा खासा हो रहा है कमरा। तो अभी हम लोग चलते हैं थोड़ी देर में, बस जो वहाँ पे कहना है इनके बछड़े वगैरह खड़े हैं वहाँ पर चलते हैं बच्चों के पास, फिर वहाँ पर चल के वीडियो कंटिन्यू करेंगे, और फिर आपको दिखाएंगे, बहुत ज़बरदस्त इनके पास आउट क्लास बच्चे खड़े हैं, अभी इन्होंने रास्ते में बताया हमें, तो आपको भी दिखाते हैं चल के, थोड़ी थोड़ी दिखाएंगे, मगर असल जो पूरा ब्लॉग आएगा वो कैटल मार्केट कराची पे आएगा, मुगल भाई के चैनल पे, और आप उसमें देखिएगा। जो थोड़ा सा आराम करते हैं, चाय चाय पीते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं शूट के लिए। चलिए जी दोस्तों, हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं कहने में अपनी शूट की जगह पर, डेस्टिनेशन पर अपनी, और मैंने रुमाल वगैरह बांध लिया सर पर क्योंकि गर्मी बहुत है बाहर, और अभी बाहर चलते हैं आपको दीदार भी करवाते हैं कहना मैंने थोड़े थोड़े बछड़ों का। और अभी एक सामान भी रखा है ना, असल में गाड़ी भी लेकर आई यहीं पे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें भाई, ये खड़े हुए हैं बछड़े, और यहाँ पे कर दिए पार्क, और अभी यहाँ पे शूट स्टार्ट करते हैं, फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं, बिस्मिल्लाह। और ये हमारी पूरी लोकेशन है, पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी भरी हुई है भाई, और मुदन भाई ये बैठ गए, मुगल भाई स्टार्ट कर रहे हैं अभी शूट, और हमें यहाँ पे बेनिफिट एक मिल गया है, ये पूरा पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, शायद पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, और इसके अंदर जो है ना पूरा नीचे से खाली है, तो यहाँ पे हम आके बैठ सकते हैं। और मैंने सर के ऊपर जो है ना रुमाल वगैरह बांध लिया है ताकि धूप से भी थोड़ी बचे रहे, और बस सेफ्टी रहे थोड़ी सी, तो गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पर। और ये रहा हमारा शूट की जगह, यहाँ पर हम लोग करेंगे पूरा शूट, और ये कुछ बच्चे खड़े हुए, एक नज़र आपको दिखाती हैं बस, और ये सारे बच्चे यहाँ पे शूट स्टार्ट होता है, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यार भाई क्या हाल है, एकदम घाटा वाटा कर लिया मैंने फुल बना, गर्मी बहुत है ना, मुंह के ऊपर डाला मैंने रुमाल, और बस इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ यहाँ पे खड़ा हुआ, और देखते हैं अभी
कितना टाइम लगेगा यहाँ पे। और अभी तो टीज़र शूट हो रहा है यहाँ पे बच्चों का, और इसके बाद व्लॉग शूट होने हैं, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। हालत भाई बहुत बुरी हो रही है, पसीने से रुमाल उतार रहा है तो सर पूरा अंदर से ना गीला हो रहा है, ऐसा लग रहा है नहा कर आ रहा हूँ मैं। टेम्परेचर अभी मैंने चेक नहीं करा कितना हो रहा है, टेम्परेचर चेक करते हैं वेदर यहाँ का कितना हो रहा है। अभी नेट भी नहीं चल रहा है, असल में यहाँ पर मसला ही है, तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, बस फुल पसीना पसीना हो गया। ये देखिए आप ज़रा, चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों हम लोग आ गए ज़रा वापस अपने डेरे के ऊपर यहीं पे, और यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होंगे, फिर उसके बाद वापस जाएंगे व्लॉग शूट करने के लिए। वो भाई वापस आ चुके हैं हम लोग अपने शूट के ऊपर, अपनी लोकेशन पे, और फ्रेश होकर आ गए बिल्कुल एनाटन, और धूप भी थोड़ी कम हो गई है, पहले से कम हो गई है। तो यहाँ से अब शूट वगैरह करने के बाद हम लोग निकलेंगे क्या नाम है अपने वापस खानपुर के लिए। हालत हो रही है बहुत ख़राब, गर्मी से जो है ना तबीयत थोड़ी सी अजीब सी हो रही है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है यहाँ पे, और थोड़ा सा ना बस अजीब सा हो रहा है बस अंदर से। ये देखें कब तक फ्री होते हैं यहाँ से, कोशिश है जल्दी से चले जाएँ यहाँ से। और फिलहाल अभी तो हवा चलना शुरू हो गई है हमजुल भाई, हल्की फुल्की हवा चल रही है, वरना तो बिल्कुल ही हफ्स हुआ तो, और सूरज भी ऐसे बिल्कुल सर पर है, ये देख सर पर खड़ा है सूरज भी ना। छोड़ ले छोड़ ले, बरसा काट छोड़े से। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ओए थ्री दोबारा को आज की मेहनत वसूल हो रही है, पिक्चर है ना बड़ी धमाकेदार आ रही है, इसकी आप इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आप लोगों को कैडर मार्केट कराची पे इंशाल्लाह मिलेंगे पिक्चर्स वगैरह, बड़ी धमाकेदार पिक्चर आ रही है आज जो है, और आगे देखें आप क्या क्या होता है। लाल फूल लो, मैंने जो है कैमरा स्टेबल कर दिया पूरा, अभी बस इसकी ऑटो ट्यून करनी है बिस्मिल्लाह, और ये अब जो है ना ऑटो ट्यून हो रहा है, फिर उसके बाद भाई का ब्लॉग शूट होगा अल रहीम कैटल फार्म का, उनके बच्चों का जो है क्यूट्यूज़ वाले जो बच्चे हैं बहुत खूबसूरत हैं इनके बच्चे माशाल्लाह से, वो आपको मिलेगा देखने को कैटल मार्केट कराची पे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया, और जो है ना पूरे दिन से बुरी हालत हो चुकी है भाई, और घर जाके भी दो तीन मरतब आ चुके हैं, फिर भी पसीने में देखें क्या हालत हो रही है। सुबह हम लोग जो है तकरीबन 9 बजे से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था करना, 9:18 हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी शूटिंग, और अभी इस टाइम पे 6:30 का टाइम हो रहा है, तो कर ही रहे हैं मुस्तकिल सब करते हैं शूट करते हैं बछड़ों का, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो का इंतजाम करते हैं, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दिएगा। यहाँ से जाने का था हमारा इरादा रानीपुर, मगर आज इतनी गर्मी थी, बहन भाई लोगों से फ़ोन करके पूछो, उन्होंने बोला रानीपुर हम लोग नहीं गए भाई गर्मी बहुत थी। रूही जाना था रेगिस्तान में जाना था रूही में, तो हम लोग वहाँ नहीं जा सके, तो उसका व्लॉग ना हम सफ़र चैनल पे आएगा ना हमारे चैनल पे किसी भी चैनल पे ही आएगा, तो बस हमने दिए ही नहीं तो आएगा ही नहीं। तो वीडियो में यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, और मजीद वीडियोस के लिए पाकिस्तान मीडिया टुडे को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।